हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बालोठी ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो एसएससी 10 प्लस 2 का एग्जाम जो 5 जुलाई 2019 को हुआ है, उसमें जो शिफ्ट फर्स्ट में जितने भी जीके व जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, एग्जाम में क्वेश्चनों का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, बट उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन साइंस से पूछा गया कि बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो देखो, जो बीसीजी का टीका है वो टीबी की रोग की रोकथाम के लिए दिया जाता है। टीबी को क्या कहते हैं? तपेदिक डिजीज भी कहते हैं। अब देखो, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिली क्लीमेटिक यूरिन। क्या कहते हैं? बेसिली क्लीमेटी ग्यूरिन कहते हैं। और बीसीजी जो टीबी जो डिजीज है, वो एक जीवाणु के द्वारा होती है। उस जीवाणु का क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब क्वेश्चन आ जाए कि टीबी के द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है मनुष्य का? तो इसके द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े प्रभावित होते हैं। और बीसीजी का जो वैक्सीनेशन है, वो बच्चे में जन्म के तुरंत बाद क्या होता है? लगाया जाता है। अब देखो, यहाँ पे बीसीजी के से आपके बारे में पूछ लिया। एक होता है डीपीटी। क्या होता है? डीपीटी का वैक्सीनेशन भी लगाया जाता है। अब देखो, डी का मतलब डिप्टीरिया पर्टुटिस यानी कि कुकर खांसी और टिटनेस, तीनों डिजीज के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? डीपीटी का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि डीपीटी का वैक्सीनेशन किसके लिए लगाया जाता है। तो डिप्टीरिया पर्टुटिस और टिटनेस के लिए डीपीटी का वैक्सीनेशन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओस्टियोपोरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? अब देखो, आपको जहाँ कहीं भी ओस्टियो नाम दिखे तो वो किससे रिलेटेड होता है? बोन से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? बोन से रिलेटेड होता है। तो ओस्टियोपोरोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? हड्डियों को, हमारी बोन्स को प्रभावित करता है। इससे हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? कमजोर और भंगुर हो जाती हैं, जिससे थोड़ी सी चोट लगने पर क्या हो जाती है? बोन्स क्या हो जाती हैं? टूट जाती हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर निगम चुनाव में सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखो, जो नगर निगम के सदस्य होते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लेकिन जो अध्यक्ष तथा मेयर पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। तो सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष। लेकिन अध्यक्ष एवं मेयर पद के लिए आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की आईसीसी का स्वतंत्र निर्देशक 2018 में किस महिला को चुना गया था? तो देखो, किस महिला को चुना गया था? इंदिरा नुई को चुना गया था। और इंदिरा नुई क्या थी? पूर्व जो पहले पेप्सिको की चेयरमैन एंड सीईओ थी। देखो, ये इंदिरा नुई है, ये पहली स्वतंत्र महिला निर्देशक के रूप में क्या हुई है? नियुक्त हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? तो देखो, जो कामाख्या मंदिर है वो कहाँ पे है? भारत में असम गुवाहाटी शहर के पश्चिमी भाग में नीलाचल पहाड़ी पर क्या है? ये कामाख्या मंदिर स्थित है। इसे कामाख्या देवालय के रूप में भी जाना जाता है। और ये क्या है? एक हिंदू मंदिर है। कामाख्या मंदिर कैसा मंदिर है? कि हिंदू मंदिर है, जो देवी कामाख्या को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वर्ल्ड कप से हर एग्जाम में क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट 2018 टीम के कोच कौन थे? तो कौन थे? राहुल द्रविड़। और ये क्या थे? ये और इसके अंडर 19 जो टीम है उसके कप्तान कौन है? पवन शाह है। और ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2018 में हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो न्यूजीलैंड में हुआ था। और 2018 की जो विजेता टीम थी वो कौन थी? भारत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो देखो, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को चलाया गया था। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि इस आंदोलन के माध्यम से गांधी जी चाहते थे कि भारतीय लोग क्या करें? विदेशी वस्तुओं का क्या करें? बहिष्कार करें। और स्वदेशी वस्तुओं को क्या करें? अपनाएं, जिससे कि अंग्रेजों में अपना क्या हो जाएगा? शासन चलाने के लिए क्या हो जाएगी? धन की कमी हो जाएगी। और वह भारत छोड़कर क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। और एक अन्य कारण था कि भारतीय क्या कर रहे थे? अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। तो भारतीय अंग्रेजों का सहयोग पूरी तरह से क्या कर दे? बंद कर दे। ये असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था।
अब देखो ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में के चोरी चोरा कांड के तुरंत बाद बारदोली में कांग्रेस बैठक में क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। क्यों लिया गया था, क्योंकि यहाँ पे क्या कांड क्या हो गया था, हिंसक हो गया था, 22 पुलिसकर्मी तथा एक चौकी को जला दिया गया था। तो ये कांड, ये आंदोलन हिंसक होने के कारण इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब बंद कर दिया था, 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली बैठक में क्या कर दिया था, इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जूट उत्पादक प्रथम राज्य कौन सा है। तो देखो जूट उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। और जूट उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे, लगभग 60% जूट का उत्पादन कहाँ पे होता है, हमारे इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखो जादूगोरा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोरा भारत के झारखंड राज्य में पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो देखो जादूगोरा कहाँ स्थित है, तो झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में ये क्या है, स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, यूरेनियम खदान के लिए जादूगोरा क्या है, प्रसिद्ध है। और ये क्या, जादूगोरा भारत की प्रथम यूरेनियम खदान है। अब देखो काफ़ी बार क्वेश्चन साइंस से पूछ लेते हैं कि यूरेनियम का एस्क है, तो यूरेनियम का एस्क याद रखना पिच ब्लेड होता है, पिच ब्लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किस ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर को बॉल टेम्परिंग के कारण प्रतिबंध नहीं लगा था। तो देखो 3 ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर थे उन पे क्या लगा था, ये प्रतिबंध लगा था। और जिनमें इन तीनों में से जो अलग से ऑप्शन था उस पे वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो किन किन पे प्रतिबंध लगा था, स्टीव स्मिथ पे लगा था, डेविड वार्नर पे लगा था और बेन क्राफ्ट पे क्या लगा था, प्रतिबंध लगा था। और कब लगा था, ये मार्च 2018 में जब ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का क्या हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था, उस टाइम पे इन पे बॉल टेम्परिंग का क्या लगा था, प्रतिबंध लगा था। अब देखो बॉल टेम्परिंग क्या होती है, कि यह एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, एक फील्डर गेंद की स्थिति को क्या कर देता है, अवैध रूप से क्या होता था, बदल देता है, क्या कहलाती, बॉल टेम्परिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेम चेंजर बुक किसके द्वारा लिखी गई है। देखो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखो गेम चेंजर बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, शाहिद अफरीदी के द्वारा की लिखी गई थी। ये शाहिद अफरीदी की क्या थी, बायोग्राफी थी। और शाहिद अफरीदी कौन था, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर था। और इस शाहिद अफरीदी को बूम बूम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो देखो पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होती है। और पीडीएफ फॉर्मेट की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में पीडीएफ फॉर्मेट की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है। तो देखो अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, पंचायतों और ग्राम सभा की परिभाषा, उनकी संरचना और कामकाज के बारे में बताता है 243। तो याद रखना कि पंचायतों और ग्राम सभा के बारे में 243 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। और इनका जन्म 4 सितंबर 1825 ईस्वी को मुंबई के पारसी परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था। और देखो दादा भाई नौरोजी 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे, 1886 में, 1893 में और 1906 में 3 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या चुने गए थे, अध्यक्ष चुने गए थे। अब देखो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन, ये इनकी क्या थी, प्रसिद्ध पुस्तक थी। और इन पुस्तक में इन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन काल में भारत की क्या थी, बहुत ही दयनीय स्थिति, इस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन में किस शब्द को जोड़ा गया था। तो देखो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। ये 3 शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। अब देखो पंथ निरपेक्ष का काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि पंथ निरपेक्ष कि यानी किसी भी धर्म का विरोध नहीं किया जाए, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। और समाजवादी और अखंडता 3 नए शब्द क्या गए थे, जोड़े गए थे। और देखो जो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था,
1976 में किया गया था, जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। तो जिस समय भारत में आपातकाल लगा हुआ था, कब लगा था, 1975 में का था आपातकाल लगा हुआ था, उस समय राष्ट्रपति कौन थे। काफी बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे वो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, और जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थी, इंदिरा गांधी थी। अब देखो इस संविधान संशोधन में क्या किए गए, बहुत बदलाव किए गए, इस कारण इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। तो याद रखना लघु संविधान किसे कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान भी कहते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को, देखो पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10। तो देखो इसके अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। देखो उससे पहले मौलिक कर्तव्य नहीं थे, कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं सिक्स मंथ के अंदर, तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डे हैं उनको अच्छे से, जिनका एग्जाम नहीं हुआ वो उन्हें अच्छे से एक बार देख लें। तो अंतर्राष्ट्रीय थायराइड दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 25 मई को मनाया जाता है। अब देखो विश्व थायराइड डे क्यों मनाया जाता है, कि थायराइड के महत्व के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। अब देखो थायराइड जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, क्रियाएं होती है, उनको क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो देखो तरणेतर जो मेला है वो किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है। तो देखो सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सेम्यूर करे हैं, और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के सेम्यूर करे ने क्या किया था, सुपर कंप्यूटर के जनक है। और कंप्यूटर के जनक पूछे तो कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2019 फिल्म फेयर अवार्ड किस नायिका को मिला है। तो देखो 2019 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसे मिला है, आलिया भट्ट को मिला है, और इसकी कौन सी मूवी के लिए, राजी फिल्म के लिए इन्हें ये फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का जो फिल्म फेयर अवार्ड है वो किसको मिला है, रणबीर कपूर को मिला है। आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो रणबीर कपूर को मिला है, और कौन सी फिल्म के लिए मिला है, इनकी संजू फिल्म के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, मेघना गुलजार को मिला है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे। तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था, मेघना गुलजार को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की इकाई क्या है। देखो ऐसा यूनिट, जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनकी ऐसा यूनिट से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है, और इसको इस सिंबल के द्वारा डिनोट किया जाता है। और प्रतिरोध को किसे डिनोट करते हैं, आर के द्वारा डिनोट करते हैं। देखो क्या होता है, यह किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो पदार्थ के अंदर क्या होता है, जो करंट को क्या नहीं निकल देता, जो धारा होती है उसको प्रभावित नहीं होने देता, उसमें क्या डाल देता है, बाधा डालता है। तो देखो उससे इंपॉर्टेंट जैसे कार्य और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोट होता है। धारा का ऐसा ही मात्रक यानी कि करंट का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इस प्रकार जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनके ऐसा ही मात्रक आप अच्छे से कंठस्थ करके जाना एग्जाम में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में डॉक्टर ली जोग वुक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ के लिए किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो किसे सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर बलराम भार्गव को सम्मानित किया गया है, और ये क्या थे, कार्डियोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाई ट्रेक्स द्वारा विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड किसे मिला है। तो किसे मिला है, चांगी एयरपोर्ट को मिला है, और ये कहाँ पे है, सिंगापुर में है। तो देखो चांगी एयरपोर्ट को जो सिंगापुर में है, इसको लगातार 7वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के द्वारा क्या गया है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है कि भारत के वर्तमान एटॉर्नी जनरल मतलब यानी कि महान्यायवादी कौन है, तो कौन है, के वेणुगोपाल है, और ये कौन से नंबर की है, 15वें नंबर की है महान्यायवादी, और ये किसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट की जाती है। तो देखो आपको 25 में से मैंने 23 क्वेश्चन आपको सही बताए जो एक्यूरेट हैं, एग्जाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। धन्यवाद।